माल कामगार संगठन के राजेश अध्यक्ष तो विनय तांडी बने सचिव। माल लिमिटेड द्वारा संचालित मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के खदानों में मान्यता प्राप्त यूनियन माल कामगार संगठन के शाखा कार्यकारिणी के कार्यकाल के समाप्त होने पर संगठन के महामंत्री एवं केंद्रीय संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माल के सभी खदानों के साथ उकवा माइन का भी दौरा किया गया, जहां स्थानीय पदाधिकारियों से रायशुमारी कर सर्वसम्मति से राजेश खोबरागड़े को उकवा शाखा अध्यक्ष तो वहीं विनय कुमार तांडी को उकवा शाखा सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं रविदास टांडिया को केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त कर यूनियन कार्यालय में केंद्रीय उपाध्यक्ष नाथुलाल आमाडारे द्वारा यौ वरिष्ठ सदस्य हेम कुमार नागदेव जनार्दन शर्भांग प्रवीण गेडाम के आतिथ्य में शपथ यौ पदभार ग्रहण कराया गया। उकवा से अशोक राउत। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर। सोनपुरी में क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता रही सोनपुरी टीम। ग्राम सोनपुरी में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग का समापन आज 9 फरवरी को किया गया, जिसमें लगभग 15 टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर स्वर्गीय के आर बिशेन, स्वर्गीय गुलाब मड़ावी व स्वर्गीय किशोर चौधरी की पावन स्मृति में आयोजित हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार ₹31,000 विजेता टीम सोनपुरी को स्वर्गीय के आर बिशेन के सुपुत्र रविराज बिशेन द्वारा प्रदान की गयी, तो वहीं द्वितीय पुरस्कार ₹15,000 उपविजेता टीम डोरा को अनुराग मड़ावी के द्वारा प्रदान की गई, साथ ही ट्रॉफी भी प्रदान की गई। इस आयोजन का भव्य समापन पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, SDOP गौरव पाटिल बैयर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, DSP प्रदीप कुमार, युवा समाज सेवी जेम्स बारिक, ग्राम सरपंच पंच व ग्रामवासी आदि अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। उकवा से अशोक राउत। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर। मेटाडोर पलटने से 20 घायल। परसवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम पोगार जोड़ी और बोदल जला के बीच एक मेटाडोर के अनियंत्रित हो जाने पर पलट जाने से उसमें सवार तकरीबन 20 लोग घायल हो गए। जानकारी अनुसार 8 फरवरी की देर रात्रि 9 बजे बोदल जोला से एक मेटाडोर वाहन क्रमांक MP50-2369 के चालक द्वारा लापरवाह पूर्वक चलाते हुए ग्राम पोंगार झुड़ी और बोदल झोला के बीच में एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार तकरीबन 20 लोग घायल हो गए, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को जिला मुख्यालय में रिफर किया गया है। पुलिस अनुसार वाहन में सवार ग्रामीण चौथिया बारात के लिए बोदल झोला से बैयर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन में ओम प्रकाश, रमेश, सुमन, संजय, मानसरवर, नरेश, राम भरोसे, नरेंद्र, अनंत, सुमन सिंह, संदीप, जागेश, राम भरोसे, ओहप, प्रदीप, नवीन, धनेंद्र, महिपाल, राकेश, राम प्रसाद घायल हुए हैं, जो ग्राम बोदल जोला और खुदुर गांव मोहगांव के निवासी हैं। बरहाल बालाघाट जिला मुख्यालय से तहरीर मिलते ही थाना प्रभारी परसवाड़ा ने सूचना मिलते ही वाहन चालक फरार हो गया। बरहाल बालाघाट जिला मुख्यालय से तहरीर के बाद थाना परसवाड़ा को सूचनार्थ भेजा गया है। वाहन चालक फरार है। मामले पर परसवाड़ा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279-337 व 184 पर मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? पिकअप से जा रहे थे बोलाल बोला से पोगार। अच्छा, तो भगोरी और पोगार जोड़ी के बीच में ड्राइवर से बोलते थे पलट गई गाड़ी। कब की घटना है? कल 4:30 बजे शाम को। हाँ सर, काय के लिए जा रहे थे? बारात जा रहे थे। बारात जा रहे थे? बारात जा रहे थे। अच्छा, इस दौरान पिकअप पलट गई। पिकअप पलट गई। कितने लोग थे आप लोग? तो फिर 15-20 लोग थे। 6 लोगों को गंभीर चोटें हैं। 6 लोग को ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी सब। हम लोग बोदल झोला से बैहर पौवा बारात लेके जा रहे थे, जिसमें से 7:30-8 के आसपास यह घटना हुई। कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में? लगभग 28-30। पिकअप में? हाँ जी, पिकअप। कैसे क्या घटना हुई, कब हुई और कहां पर हुई? ड्राइवर की गलती की वजह से पिकअप अनबैलेंस होने की वजह से पलट गई। कहां पर पलटी? भिवोड़ी से
भीमजोरी के समीप? नहीं नहीं, भीमोड़ी। भीमोड़ी के समीप यह घटना हुई है। हाँ। कितने लोगों को चोटें आई है? यहाँ तो हमारे साथ में अभी 5-6 लोग हैं। 6 लोग हैं और बाकी लोग परसों आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपका।